मैं इस वीडियो में आपको वजन लेने का, ये वजन लेने के लिए फीता आता है, इससे फीट है, इससे लंबाई जितनी इसकी हुई उतना इसका भार है वो आ जाता है। तो आप ये 900 ग्राम के करीब बढ़ते हैं हर रोज, और ये जो 3 महीने में 100 केजी की हो जाना चाहिए। हाँ, लगाइए फीता। देखिए ये वेट लेने का मैं बता रहा हूँ जानवरों में। देखिए ये मेरी करीब 3 महीने की बछिया हो गई है, तो इसका 100 केजी हुआ। और आगे करो, थोड़ा और आगे करो, तो इसमें लंबाई जितनी इसकी होती है उसके हिसाब से वेट आ जाता है। इसमें इसका जो है 99 सेंटीमीटर है, तो इसका करीब 103 के करीब इसका वेट आ रहा है। तो ऐसे आप इसका वेट ले सकते हैं, मतलब इसको जो है बछिया को 100 दिन में 100 किलो का हो जाना चाहिए। 50 किलो की ये करीब पैदा होती है, 40-50 की। तो यही आपको बताया कि वेट कैसे लेते हैं, और आप इनका लालन पालन करिए। मेरी किताब आप ले सकते हैं, उसमें उसके विशेष सूत्र दिया हो गया है। इसमें मैं इस वीडियो में ये बता रहा हूँ कि जो आपकी इसकी माँ है, जैसे ये इसकी माँ खड़ी है, तो इसको 7वें महीने में और 5वें महीने में आप आइवरमेक्टिन लगा देंगे तो इसके कीड़े नहीं होंगे। और डीवर्म का इसका ये है, तो वो आइवरमेक्टिन है, आप इसको इसकी माँ को दे दीजिए। फिर जब ये बच्चा पैदा हो जाए तो इसको 3 महीने का हो जाए तो ये ड्यूरामेक्टिन है। देखिए मेरे पास ड्यूरामेक्टिन है, ड्यूरामेक्टिन 1 ml 50 kg पे 2 ml सब कट लगा दीजिए। महीने महीने लगाते रहिए, तो इससे बाहर के परजीवी भी नहीं होंगे, अंदर के परजीवी भी नहीं होंगे। और इनमें पैशोलाइसिस की दवाई मत दीजिए। मेरा अनुभव यही है कि ये गाय जो है एल्बेंडाजॉल से इसको मत करिए, इसको फेमेंडाजॉल से करिए। और फेमेंडाजॉल लिक्विड ले लीजिए, 5 mg पर kg के हिसाब से आप कर दीजिए। जैसे ये 100 kg की अब हो गई है, तो 100 kg में इसको 500 mg जो है फेमेंडाजॉल आप दे दीजिए। ये मैंने आपको इसके लालन पालन के हिसाब से बताया। डेयरी में सबसे पहले यही बात सीखनी है कि आप कैसे पशुओं को अपने घर पर पैदा करें। ये किताब मैंने आपको बता दी है कि ये किताब है, ये बच्चियों का लालन पालन। तो ये किताब आप इसमें देख सकते हैं, इस किताब को आप मंगा सकते हैं 8979990614। थैंक यू।